शाहरुख खान के अंदर छिपा एक प्रोटेक्टिव पापा अब जाग उठा है। बहुत हुआ आर्यन की तकदीर को वकीलों के भरोसे छोड़ने का काम। अब शाहरुख खुद एक्शन में आकर मोर्चा संभाल चुके हैं। जी हां, आर्यन की बेल का मसला मुंबई हाई कोर्ट में है और शाहरुख यहां कोई गलती नहीं चाहते, लिहाजा बिल्कुल फिल्मी डॉन की स्टाइल में शाहरुख खान अब अपने मिशन आर्यन पर लग चुके हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि डॉन अपने घर से नहीं बल्कि बड़े बड़े होटलों से ऑपरेट करता है, अलग अलग लोगों से बात करता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढता है और चाहे जैसे भी जिस तरीके से भी हो जिस काम की ठान लेता है उसको पूरा करके ही दम लेता है। कुछ उसी डॉन वाले अंदाज में अब शाहरुख खान का ऑपरेशन ऑफिस उनका घर मन्नत नहीं बल्कि मुंबई का एक 5-स्टार होटल बताया जा रहा है। शाहरुख अपने वकीलों के साथ यही मीटिंग कर रहे हैं और यहीं से सारे हालात पर नजर रखे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में आर्यन केस में मामला जैसे पल पल बहुत तेजी से बदला है, उसे देखते हुए शाहरुख अब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये साफ है कि शुरुआत में कुछ वक्त के लिए शाहरुख इस बात से गहरे सदमे में थे, लेकिन दिमागी तौर पर काफी हेड स्ट्रॉन्ग शख्सियत वाले शाहरुख को मजबूती से सामने आने में वक्त लगा। जब आर्यन की बेल प्लीज बार बार रिजेक्ट होने लगी तो शाहरुख को समझ में आया कि मसला उतना आसान नहीं है और अब उन्हें सब कुछ भूलकर आर्यन को वापस लाने के मिशन में पूरी ताकत के साथ लगना होगा। लिहाजा जो शाहरुख पहले अपनी मैनेजर पूजा के सहारे चल रहे थे वो एकदम खुलकर मैदान में आ चुके हैं। यानी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का एटीट्यूड रखने वाला डॉन अब इस खेल में शामिल हो चुका है। शाहरुख खान बनाम समीर वानखेड़े, शाहरुख बनाम एनसीबी, शाहरुख खान बनाम बार बार रिजेक्ट होती आर्यन की बेल, इन सब को शाहरुख ने एक चुनौती के तौर पर लिया है। एक पिता के तौर पर शाहरुख के लिए पहली जिम्मेदारी अब अपने खुद के परिवार के लिए खड़े होना है। जमाना चाहे भला जो सोचे, दुनिया चाहे उन्हें जैसे भी जज करे, लेकिन वो कहते हैं ना, परिवार सबसे पहले और अपनी औलाद सबसे ऊपर। ऐसे भी आर्यन के मामले में एनसीबी पर लगे आरोपों, गोस्वामी की गिरफ्तारी और समीर वानखेड़े पर नए नए खुलासों के बाद पब्लिक की सिंपैथी काफी हद तक आर्यन के साथ जा रही है। जाहिर तौर पर इन तमाम बातों से इस लड़ाई को लड़ने के लिए शाहरुख को और ज्यादा हिम्मत और ताकत मिलेगी। खैर, कानून और सबूतों की लड़ाई में आर्यन को लेकर फैसला जो भी आए, लेकिन फिलहाल शाहरुख खान अपने परिवार, अपने अपनों को बचाने के लिए एक्टिव डॉन मोड में आ चुके हैं। आफ्टर ऑल, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।